अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त शमशेर फिर से एक वली अल्लाह का दर पर हूँ। आप मजा शरीफ का जारत कीजिए। मौला तस्बीहात के लिए, इबादत के लिए हम मौजूद हैं, फिर इंसान की ज़रूरत के अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहि सलाम को पैदा करके चीज़ों के नाम सिखाए, इल्म अता किया, तमाम ज़बानें सिखाई। आज बदकिस्मती हमारी ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करते ही इल्म से नवाज दिया था, हमारी बदकिस्मती ये है कि हम पैदा होने के बाद, दुनिया में आने के बाद 30 साल उम्र गुजर गई, 40 साल गुजर गई, इल्म से कोसों दूर हैं, जाहिल के जाहिल हैं, इसीलिए किसी की भी बात को मान लेते हैं। फरिश्तों से अल्लाह ने फरमाया, सारी चीजें फरिश्तों के सामने रखी, हजरत आदम के सामने फरमाया फरिश्तों से बताओ इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला हमें जो तूने सिखा दिया बस वही जानते हैं और सब कुछ नहीं जानते। अल्लाह ने फरमाया, आदम तुम बताओ अब इन सारी चीजों के नाम। हजरत आदम अलैहि सलाम ने एक एक चीज का नाम बता दिया। दुनिया में बोली जाने वाली तमाम जबानें, तमाम भाषाएं, तमाम लैंग्वेजेस हजरत आदम अलैहि सलाम को तकरीबन सब आती थी, तमाम जबानें आती थी हजरत आदम को अल्लाह ने सिखा दिया। यहां तक बयान किया गया कि हजरत आदम अलैहि सलाम ने दुनिया में पैदा होने वाले इंसानों के नाम तक बताए, अल्लाह ने इल्म अता किया। तो इंसान के साथ दो चीजें उसकी तखलीक में, उसके तखलीक में उसके पैदा होते ही दो चीजों को जोड़ दिया गया। जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, दो चीजों को इंसान के साथ में जोड़ दिया। पहली चीज के उसके साथ में अल्लाह ने नूरे मुस्तफा को जोड़ दिया। अब इंसान की जिम्मेदारी है जब तक जिए जब तक मरे मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करता रहे, मदीने के ताजदार से प्यार करता रहे, क्योंकि नूरे मुहम्मदी का एहसान है इंसान पर कि नूरे मुहम्मदी ने इंसान के वजूद को रोशन किया है। और दूसरी चीज, अल्लाह ने इल्म अता किया, इल्म ने इंसान की जिंदगी को रोशन बनाया। इल्म भी इंसान की जिंदगी को रोशन बनाता है, इल्म भी इंसान की जिंदगी को खूबसूरत बनाता है, इल्म की बदौलत इंसान को इज्जत मिलती है। तो ये दो चीजें इंसान के साथ वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं। एक चीज तो ये कि नूरे मुहम्मदी का एहसान है, नूरे मुहम्मदी का एहसान है, उस एहसान को माने बंदा और अपने प्यारे आका हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार करता रहे, उनकी मोहब्बत में जिए, उनकी मोहब्बत में मरे। और दूसरा ये कि इल्म को अपनी जिंदगी में शामिल कर ले। ये जिहालत के अंधेरों को मिटा देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है। तो इल्म हासिल करें, कुरान का इल्म हासिल करें, दुनियावी इल्म भी हासिल करें। और दुनियावी इल्म तुम समझते हो कहीं और से आए हैं? कौन सा इल्म है दुनिया का जो इस्लाम नहीं सिखाता, कुरान नहीं सिखाता? हजरत आदम अलैहि सलाम को अल्लाह ने दुनिया का तमाम इल्म अता किया, वही इल्म तो इंसानियत के अंदर आया ना। अल्लाह ताला ने तमाम कायनात का तमाम इल्म, और फिर अल्लाह ने कुरान मजीद जो हमें अता कर दिया, फरमाया इसमें हर शय का खुला बयान है, तिबयान लिकुल्ली शय। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हर शय का खुला बयान फरमाया है। कुरान मजीद अल्लाह ने अता किया है, हर शय का इसमें खुला बयान है। कुरान पढ़ो मेरे अजीजों, कुरान को पढ़ोगे तो दुनिया के सारे उलूम तुम्हें मिल जाएंगे। मगर बड़ी अजीब बात है, कुरान को छोड़ दिया, मुसलमान कहलाने वाले कुरान को छोड़कर दुनिया के इल्म के पास भागने लगे। दुनियावी उलूम भी कुरान में मौजूद है, पढ़ो जरा कुरान कायदे से, मगर कुरान छोड़कर अगर इल्म हासिल करोगे तो फिर अपने पूर्वजों को बंदर ही बताते नजर आओगे, फिर ऐसी बेहूदा बातें कर
करते नजर आओगे। याद रखना, जब कुरान पढ़ के इल्म हासिल करोगे, सारा साइंस कुरान के अंदर मौजूद है, सारा इल्म कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कुरान हिदायत भी है, कुरान बशारत भी है, कुरान रहमत भी है। मोमिनों के लिए अल्लाह ने इसे हिदायत भी बना दिया, मुसलमानों के लिए बशारत भी है, मुसलमानों के लिए हिदायत भी है, रहमत भी है। कुरान पढ़ो, कुरान से करीब हो जाओ। सारे इल्म अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर रख दिए। बस समझने वाला। और यही वजह है कि एक डॉक्टर जब कुरान पढ़ेगा तो उसे डॉक्टरी के वो अजीम अजीम पहलू कुरान मजीद में नजर आएंगे कि वो उसकी अक्ल हैरान रह जाएगी। एक सूफी जब कुरान पढ़ता है तो उसे तसव्वुफ के बाब खुलते नजर आते हैं। एक हकीम पढ़ता है तो उसे उसकी पूरी हिकमत कुरान में मिल जाती है। और जब एक ताजिर बिजनेसमैन कुरान मजीद को पढ़ता है तो उसे तिजारत के तमाम उसूल और जवाबित कुरान में मिल जाते हैं। कुरान में हर शय का खुला बयान है। कुरान मजीद पढ़ो तो सही। तो ये जो बेहूदा बातें हैं इनसे तौबा करना जरूरी है। बात यह है कि हमारी कौम उलमा से दूर होने लगी। उलमा से दूर हो जाओगे तो जो तुम्हारे दिमाग में दुनिया डाल देगी तुम उसी को सच मानने लगोगे। कुरान पढ़ो, उलमा के करीब बैठो, उलमा से दोस्तियां और मोहब्बतें और वाबस्तगियां रखो। जानते नहीं हो सोहबत का कितना असर पड़ता है। सोहबत जिंदगी बदल देती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मेरे मुस्तफा के सहाबी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। एक रास्ते से गुजर रहे हैं आप तो चंद ओबाश लड़के एक मकान के अंदर, एक घर के अंदर बैठे हुए शराब पी रहे हैं, गाना बजाना कर रहे हैं। आप गुजरे, एक लड़का उनमें था ज़ादान नाम का। वो एक आले म्यूजिक, एक कोई म्यूजिक का आला है बरबत नाम का, उसको बजा रहा है और बड़ी सुरीले अंदाज में गा रहा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद का गुजर हुआ, वो बजा रहा है गा रहा है। आपने उसको देखा, आप फरमाने लगे इसकी आवाज कितनी अच्छी है, कितना सुरीला है, काश ये इतनी ही मोहब्बत के साथ में कुरान मजीद को पढ़ लेता। अगर इतनी सुरीली आवाज में कुरान मजीद की तिलावत करता तो कितना लुत्फ आता, कितना अच्छा लगता। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद इतना कहकर आगे बढ़ गए, उसने आपकी बात को सुन लिया। वो अपने साथ वालों से कहने लगा ये कौन थे जो अभी गए, तो कहने लगे ये मुस्तफा के सहाबी हैं। कई इन्होंने जो कहा, क्या कहा, कई ये कह रहे थे अगर ये कुरान पढ़ता तो कितना अच्छा होता, इतनी सुरीली आवाज में कुरान की तिलावत करता। खुदा की कसम कैफियत बदल गई, दिल बदल गया। वो बरबत तोड़ दिया, वो म्यूजिक का सामान तोड़ दिया, फौरन